अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। आज हम आपको ऐसे पराठे दिखा रहे हैं कि जो साग वाले, लेकिन आटे में गूंद के इन पराठों को बनाया गया, तो इनका ऐसे बेड़ा गर्क हुआ। अब ये खा के पता चलेगा कैसे। आज बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है। रात को लगता है बारिश थोड़ी मुनासिब हुई है। लगता है बारिश काफ़ी हुई है, क्योंकि ये देखें, ये जो तालाब है काफ़ी भारी है। आगे ईंटें रख दी गई हैं, मछलियाँ बाहर ना जाएं। इस तालाब में इन सारे शेड का पानी यहाँ पे आता है ना, पहले इस तालाब में, तो फिर यहाँ से फिर आगे ड्रेन बाहर हो जाता है। गेट पे बाढ़ साहब मौजूद तो नहीं है, बाहर ट्रक आके खड़ा हुआ शायद, क्या लेके आया पता चला जी। जो बाहर गाड़ी आई है वो फैक्ट्री वालों का गत्ता है, एक जो पेटियां होती हैं वो, उनके लिए हमने इधर जगह बनाई हुई है। ये इस जगह पे वो पेटियां उतार देंगे। ये जनाब है लूसन, और ये है घास, जड़ी बूटियां, यानी कि आमतौर पर जड़ी बूटियां होती हैं। ये है कंडा, ये तराजू भी कहते हैं, वेट भी कहते हैं। तीन ही वो और एक हिस्सा ये, इस तरह तोल के ये मिक्स कर लेते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं बनता। हाँ जी बाबा जी, चाय पी लिए? पी रहे हैं। अच्छा जी, आओ बैठो। चलो नहीं, बैठो 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 बैठो, नहीं नहीं बैठो बैठो, मैं जा रहा हूँ। और नदीम साहब ठीक है? क्या गल है, कुकड़ी हो सवेरे ठंड में, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश ज्यादा हुई, बारिश बड़ी हो गई, अच्छा जी, ताई इन्हें ठंड लगती है। ये जनाब दो बकरियां रात को बाहर, और ये सारा शरारती टोला अंदर, जो उनको फैंटी लगाता है। ये टोला देखें, फैंटी लाने के लिए तैयार खड़ा है, कब बाहर निकालेंगे तो फैंटी लगाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जब इन्हें बाहर निकालना है उन्हें अंदर कर देना है, तो इनका तो जनाब फैंटी का प्लान जो है ना वो फ्लॉप हो जाना। देखें उम्मीद तो है कि ये सरवाइव कर जाएंगी, काफ़ी तो ठीक रही हैं। देखें गर्मी आने से पहले पहले इन्हें सरवाइव करना पड़ेगा, ये गर्मियों में तो हमने इन्हें इस तरह बांध नहीं ना करना। इस तरह के तीन बकरियां थी जो हमने की थी सेपरेट, दो तो उस वाले पोर्शन में थी और एक इधर थी। ये देखें, ये भी खा रही है, मतलब वो टोला सारा वो गैंग अंदर कैद है, और इसको इधर मिल गई जगह, इधर ये खा रही है, ये इधर खा रही है, और वो जो दो हैं वो इधर हैं। ये टोला इधर कैद है। तो ये तीन बकरियां, इन्हें गर्मी आने से पहले पहले इनको रिकवर होना पड़ेगा। अगर ये रिकवर ना हो पाई क्रॉसिंग सीजन से पहले, यानी क्रॉसिंग सीजन शुरू होता है अप्रैल मार्च में, ये ज़्यादा खाने इनके हम खोल देते हैं, इतनी सर्दी तो रहती नहीं कि इस तरह करके इन्हें कैद करें कि ये रात को गर्म रहें। मार्च फरवरी, यानी कि इसके इनके पास एक महीना है, एक महीने में इन्हें रिकवर होना है, वरना इन्हें कुट पड़नी है जब ये आज़ाद होंगी सारी, फिर इनका काम तमाम हो जाएगा। बाबा जी जो कि परसों तशरीफ लाए थे, ये यहाँ पे पहले सफाई का काम करते थे, ऐसे दो साल पहले इनके बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, इन्हें उन कामों पे लगाया गया जो कि आसान हो। इधर बंदों ने, इधर मैनेजमेंट ने इन्हें सफाई पे लगा दिया कि ये आसान काम है। इधर भी झाड़ू लगा देते थे, और गंद जो है ना वो फिर दूसरे लड़के सारा मैगनियाँ उठा लेते हैं ना। आज क्योंकि बारिश हुई है, रैबिट फार्म पर जा नहीं सकते, तो मैंने कहा जी आप ज़रा ना इधर यही, अगर
समझे तो यही काम कर दें आसान मोटा मोटा इकट्ठा कर दें तो ये गंद फिर ही लड़के सारे उठा लेंगे। आज ये भी उन्होंने ये यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया। अब है तो उम्र सीधा लेकिन अब पता जिंदगी फिर भी ऐसी तरह ही है का दूसरा नाम है। बड़ा कुछ करना पड़ता है सामने पट खड़ी है। अब जुगाली कर रही है रिकवर हो चुकी है। बिलाहर जी टोला आज़ाद हो गया बदमाशों का टोला। अब उन दो बकरियों की लग जानी है दौड़। अब उनको फिर आहर कर अंदर कर देंगे। यार जी कितने रख छड़िया जे इनू ड्रोन के राह चुक लो चुक लो चुक लो चुक लो यार थोड़ी देर चुक लें सारे आ गए बाहर रजिया एंड सिस्टर उधर फंस गई हैं। अब उनको ये डाल के ना खाना शाना तो उनको इधर अंदर कर देंगे और ये गुंडे सारे बाहर रहेंगे। कुछ नहीं उधर उधर जाके खाओ ये उधर जाओ इतने गए खाना आ गई है। चलो उधर खसमा नू खानी है हाथ खाना ही हूं मेरा लड़ना आ गई सुबह सुबह ही। चल टूट जाओ उधर इसलिए तो सुबह सुबह आके पंजी डालना शुरू कर दी कि हाथ खाना है। अब हाथ खाने का मकसद ही क्या है नहीं खाना हाथ पर चलना बड़ी भुखी चल भुखी है। बारिश भी रात को काफ़ी है लेकिन धूप भी निकल आई है तो फिर अभी पर्दे हटाने का काम शुरू हो गया। पर्दे हटा दिए गए और लाइट ऑफ कर दी। बारिश रात को काफ़ी हुई है ये इस चीज़ की निशानी है कि ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ ना एक हाथ से इसको नहीं उठाया जा सकता ये है इधर से पकड़ के उठाया जा सकता लेकिन बैलेंस नहीं फिर ना दूसरा तरीका एक पाँव और एक हाथ तरीका नाकाम रहा। बतहें भी आज़ाद हुई हैं तो सीधा जनाब पानी में घुस गई हैं। देखिए इनको सर्दी से ज़्यादा ना नहाने का शौक होता है इनके नज़दीक जो है ना जैसा भी मौसम हो लेकिन एक बार नहाना बड़ा ज़रूरी होता है। जी जी सुबह सुबह कोई डिबेट शुरू हो गई है इनमें गर्मा गर्म बहस चल पड़ी
देखो यहाँ पे शुरू बातें गाय गई, फिर कोई बता फिर दूसरे को देखा उसके पीछे पड़ गई। इनके लिए ताज़ा पानी भी रख दिया गया, हालांकि आज तो बारिश का ताज़ा पानी वैसे ही आया है, वैसे बड़ी है लेकिन फिर भी ताज़ा पानी जरूरी होता है, फ्रेश वाटर। आसू यार ये मैंने कुछ दिन पहले किसी से कहा था कि इसको संभाल लें, तो ये किसी ने नहीं संभाला अभी तक, उधर ही पड़ा रहा। तो नदीम साहब आप इसको ना दरअसल अच्छी तरह सफाई करवा के इसको रैप करके प्लास्टिक से तो स्टोर में एक साइड पे घेर को आ दें ताकि अगली सर्दियों में काम आ सके। अच्छा ये पार्टी वाला कुत्ता है ना, ये हर वक्त भोंकता रहता है, ये देखा रंग बड़ा करता है। अब ये जो ये देखिए किस कदर शरीर कुत्ता, उसने बस एक ही बार इसने एक्शन करना होता है, जब करना है वो एक्शन को नहीं करता, भोंकता है बस, हर वक्त ना इधर भोंकने की बात आती है। मैं तो इससे बड़ा तंग हूँ, खामोशी बड़ी नेमत होती है। अब ये देखें ये कोई तरीका नहीं है, हर वक्त वो 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 ये मेरे कुत्ता ही है आराम से लेटा हुआ, लेकिन काम उसने 100% करने, इसका काम जो है सर ये फिर बिल्लियाँ भगाता है। बंदा को नहीं पड़ता। लेकिन ये माहौल बड़ा खराब करता है, मैं तो सोच रहा हूँ इसको वापस कर दूँ। चलो ये फिर पार्टी वाला कुत्ता तो भोंकते ही रहेगा, हम एक बार ऑफिस का चक्कर लगा के हैं क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, ताज़ा ताज़ा हमारा आया होगा, करारी करारी खबरें पड़ के आते हैं। जो गाड़ी बाहर आई है वो तो लग गया, उसका कलाची खराब हो गया और दरवाजे के आगे ठोस हो गई, अब इस गाड़ी के पास से गाड़ी गुजारनी है, उम्मीद से गुजर जाएगी आसानी से, आगे नाले में ना कहीं गिर जाए। लेकिन गुजर ही गई ये देखिए ना कैसे है, इसका क्लच जो है वो ऐन दरवाजे के आगे आगे खराब हो गया। सुलेमान क्या हो गया, सुलेमान का तो लगता है बिबरा पंचर हो गया, वैसे मोहित से आप बड़े बंदे तंग हैं, उन्हें खतरा रहता है हर वक्त कि इसने यहाँ से पहले ही मोबाइल हाथ में पकड़ा होगा, ब्लॉगिंग करी है एकदम इसने निकाल लेना है कोई भी बात होगी तो। ये जनाब रात की जब बारिश हुई है क्या ही सुहाना मंजर पेश कर रही है सड़क, पूरा ग्रहरा भी बना रहे, कहते हैं ना खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, ये देखना इसी रूढ़ी पे ही वो गुल उतरने, फिर रूढ़ी की बोझ से ही उसने मुझे आगे ख़त्म हो जाए। आगे से जहाँ मशहूर है जमाना चाट वाले बिला जी तशरीफ ला रहे हैं, बिला जी हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिला जी, क्या हाल तुम्हारा? बस ठीक है। सर्दियां कफन मैं सुनिया 1500 रुपये महंगा हो जाना, कहना 1000 रुपये दिहाड़ी लाने कसम है, सही गल है गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल टाइम आ काम करता है निका हमारे यहाँ पे ना एक बड़ा काम खराब हुआ है कि गैस के बिल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, हर घर का 7-8 हज़ार 6 हज़ार से कम तो किसी का नहीं आया, तो ये भी लोग बड़े परेशान हैं कि जहाँ पे गैस का बिल आता था 1000-1500 वहाँ पे 3-4-5 गुना ज़्यादा बिल आ चुके हैं। आगे फैक्ट्री के एक डब्बी सी गाड़ी खड़ी है, अब ये रिवर्स तो करने लग पड़ा है, हमने जनाब गाड़ी के अंदर घुसा दी। चलो जी ओ काका, काका ना जा पटाका।
कितने ड्राइवर बुला यार गाड़ी गाड़ी में संभाल ले ड्राइवर भेजो गाड़ी देते हैं ड्राइवर को ये खुद ही मैनेज कर लेगा क्योंकि अंदर तो जगह कोई नहीं रश पड़ा हुआ है अपने खवा छोड़ो ठीक है शेव कराते फाटकों दाड़ी रखी सादे बड़े सादे भाई तो बड़े नाश्ते पड़े हुए हैं इधर चौकीदार ने ब्रेड से नाश्ता कर दो बंदे आए लेट हैं छः मिनट पाँच मिनट बाकी सारे टाइम से आ रहे हैं मारी कौन को असल में ना इन्होंने डंडा देख रखी है फिर ठीक रहते हैं इन पर प्यार करें ना इन्हें सख्ती ना करें खराब हो जाए अभी तो समझा समझा के टाइम से आया करें यकीन करें किसी ने बात नहीं मानी तो मैंने कहा जो लेट आता है वो बाहर ले यकीन करें लेट ही आना छोड़ गए ठीक हो गए 8:32 हो गए हैं और अभी तक अखबार शायद नहीं आया ये पुराना अखबार पड़ा हुआ है धूप काफ़ी निकल आई है धूप में बैठ के जब नींबू वाला पानी पीने का भी ना अपने ही मज़ा देना फिर अंदर दो ना हाँ हो उम्र देना एक गिलास गोली पा के दे दो घर जनाब आ गए सेंट्री वाले काम करने के लिए और घर में ताला लगा हुआ अब उसको देते हैं चाबी ताकि जाके खोल के ताला पे काम करके चाबी वापस कर ये दसो कि जेड़ा खब्बा हाथ होंदा है ओदी चीची उंगली खब्बे पासे होंदी सज्जे पासे खब्बे पासे ही होंदी खब्बे पासे पक्की गल ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਚੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਲੈ ਹੀ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲਾਕ ਲੜਕਾ ਸੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਬ ਹਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ लत लगती चलो घर बच्चे बाहर नहीं फिरते चलो चलो जेब के जनाब काका पैदा हो गया था 6 माह पहले बाहर खड़ा मैंने ऐसे कहा यार काका देखना आगे मुझे जरा ले जा लेने आया हूँ चल के इसका काका देख के बशीर साहब ने दे दिया सौदा जो कि हम उसे जा गया बच्चे को दे रहे हैं चलो जी चलो जी चलिए ये है जनाब शोभा हाउस आगे से तो जनाब उधर से वाला साहब भी तशरीफ लेके आ रहे हैं सुबह उधर बाहर गए थे कब्रिस्तान पे वाले साहब जनाब जेब को मिठाई के पैसे दे के गए ये चल ठीक है फिर है मेरे हो गए जा निके थोबे लिया उन्हें क्यों माना तो वापस करनी है
जब शादी हुई थी ना 10 रुपये मैंने इससे लिए थे सलामी वाले दिन अभी से वापस कर दिए, इस वजह से मेरे बटन में पड़े हुए। ये दिन छोटा जवान आ गया यार, कोई देर इन्हें नाम क्या रखे? शमीर। अच्छा शमीर बॉय। अब जनाब शमीर बॉय की मेरे पास अमानत है, गिफ्ट स्पेशल शमीर बॉय की। ये जना बटवे में गिफ्ट पड़ा है, ये जना गिफ्ट निकाल दिया। शादी वाले दिन जना वलीमे वाले दिन मैंने इसे 10 रुपये लिए थे और अभी तक बटवे में रखे हुए हैं। इस बात को 2-3 साल हो गए, साल ही होया, साल होया थे, 6 महीने का हो गया, डेढ़ साल हो गया। ना नोट 10 रुपये का बटवे रखे हैं, अजय तो मुड़े वापस कर लें लाए तेरे नहीं है बरकत वाले वापस काका हेलो तेरे अब अबे को ले साडे में भार बने वापस ले 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 फाड़ ले फाड़ ले। ये तो सप भी फाड़ लैन दे मोला भाई ਹੁਣ ਮਰੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਡਾ ਪੀਟਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਫੜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਕਾਕਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ये करके ने पकड़ ली कमर्शियल मान भी स्कूल दे हाथ को स्पुट कर दी। मैं जी जोब से तो मिल के काके जी मूरे से मिल के अब ड्राइवर सामने आ गया, अभी इधर चलते हैं पुराने रैबिट फार्म, वहाँ पे ना मामू चार्ली साहब मौजूद है, पारा लेके आए हैं मैं दरख्त काटने के लिए। चलो जी मारो किक। ये फैक्ट्री में जनाब गता है और ये एहतियात नहीं करते ड्राइवर, कवर सही नहीं से किया तो सारा गीला हो गया। अब इसके साथ ये मामला तय कर रहे हैं डैमेज किसके साथ पे पड़ेगा। गए जनाब खान ने सोटी तोड़ लिया जी, अब गधी के ऊपर चढ़ के अजीम शान सवारी का मुजाहरा करेगा। शाबा भाई शाबा। ये ये तो इज्जत करने लग पड़ा पोती तो डी है लत पाव ही पई दी अपने दिल सितारा ही बने हैं। टूर किधर गया जाना किधर है टूर किधर गया ले जाना खोता साहब फिर बाहर निकला है, पहले जमीनों में घुस गए थे माजे दे कदे खोते दी ड्राइविंग भी की थी जा निकले होने बड़े झूठे ले थे खोती थे खोते थे दोनों थे। अच्छा इंजन कितना फिट होता है? इंजन तो खोते तो ही सही है। अच्छा है भी 800 सीसी नहीं 1000 सीसी खोती तो 600 सीसी होना जा ऑल्टो है जेड़ा खोता है करोला जा खोता करोला छोटा करोला कटर की आवाज़ आ रही है जी, जो इधर इजाफी दरख्त थे वो काटे जा रहे हैं। इसको जनाब ऊपर जा के ना
इधर डालेंगे रस्सा ताकि फिर ये इस साइड पे इधर गिरे ना, उधर ना दरख्त गिर जाए। इस साइड में ना असल पे बिजली की तारें भी हैं, तो इसलिए सारा उधर भी नहीं गिरना चाहिए, इसको थोड़ा ना इस साइड पे आना चाहिए, फिर तारे भी बचेंगी और ये फसल भी बचेगी। चलो जी कटो, सुनो एक साइड से पीस निकल गया जी, ये उनके करो दे जी उधर दी करो ले जी बिलहर दरख्त गिर गया, दरख्त के ऊपर किसी परिंदे का जनाब घोंसला भी बना हुआ है, यार अब तो सीजन नहीं है इनका बच्चों का। ये देखें ये घोंसला, यार रोला बड़ा है मशीन का, तुसी हाथी धर छोड़ चंगा जी। इसे कहते हैं ये सर सूरज सर पे होना, ये देखें ये सर के ऊपर सूरज है, वो गर्मी अब बड़ी हो गई है, इस तरह ना धूप में बैठने नहीं होता है। दिन के दो बज चुके हैं, रक्षे वाले एक बार तो लकड़ियाँ उधर पार पर छोड़ के अब दूसरी बार लकड़ी लेने फिर आ गए। मेरे हिसाब से ना कि एक बार और आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने गिराया ना इसे कहते हैं दरेक, ये काफ़ी बड़ी दरेक थी हैवी किस्म। अब यहाँ पे एक पौधा और आई है जो वो पीछे बड़ा पौधा नजर आ रहा है ये वाला, ये भी सूखा हुआ, ये भी गिराना है। तो उधर फार्म पे जो लकड़ियों की इनकी ज़रूरत होती है वो यहाँ से पूरी होती है। असल में जब हम दरख्त एक गिराए ना तो हमें उसकी जगह पे ना एक दरख्त और लगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं ना रिवाज, ये काम बड़ा ख़राब है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे चार दीवारी नहीं ना बनी, जब बनी ना तो फिर हम दरख्त ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि चार दीवारी के बगैर आप दरख्तों को संभाल नहीं सकते। यहाँ पर सारा दिन बकरियाँ भैंसें हैं भेड़े हैं पता नहीं क्या क्या घूम रहा होता है, उन्होंने सारी प्लांटेशन तबाह कर देनी। अच्छा आपके बड़े काम की बात बताते हैं, वो बात ये है कि वो पीछे जो दरख्त है ना ये वाला सामने इस पे ऊपर उल्लू रहते हैं, दो तीन रहते हैं। तो मुझे शेर याद आ गया, जैसे हम ये दरख्त काट रहे हैं और काट के लगाएंगे नहीं ना, तो उससे बड़ी जो मुनासिबत बनती है नस्बत इस शेर की, जो मुझे उल्लू देख के याद आया कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाह पे उल्लू बैठा है अब अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। मतलब जितनी तेज़ी से हम ये डीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, डीफॉरेस्टेशन से दरख्त काट रहे हैं, तो फिर ये अंजाम में गुलिस्तान कर ला याफल है, कुछ नहीं बचेगा यार, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं बचेगी हमें। और ये देखिए ये एक दरख्त सिर्फ बचा यहाँ पे जो खूबसूरत है, और गर्मियों में इसके नीचे ज़रा माहौल बना के ना बैठने का निज़ाम बना लेते हैं, बाकी तो कोई दरख्त यहाँ पर ना
ये सूखे साके सारे दरख्त जले कटे, दरख्त लगाए ही नहीं, जो खुद हो गए हैं बस हो गए हैं, वो भी कोई ख़राब हो गया ज़्यादातर। लोड भी जनाब तैयार हो गया। वो जिस आ रही से काट रहे थे ना, उसमें इन्होंने गंदा मोबाइल डाल दिया और वो जाम हो गया। अब उसको ठीक करवाने लेके गए। आज तो लगता है अपना जनाब सारा दिन इधर फील्ड में गुजर जाना है। बोड़ा साहब तो पूरा कूलर ही लेके आ गया साथ पानी का। यार बंदा भर के दे छड़दा ये पियाना ही है ते। ते भरने च क्या रजे, चलो हुण दे छड़। गन्ना भी आ गया जनाब, चोरी दा ते नहीं? नहीं नहीं, पुछ के नहीं तोड़े सामने। हां बस फिर ठीक, मैं दांत ही ले आया हूं, तैयार ना खाना पैना। दांत का पता नहीं कब तक मसला चलेगा, सुना है कि 1-1.5 माह में ये रिपेयर हो जाता है। लगता तो डर ही है। भाई साहब, खान साहब ठीक हो? गन्ना खाएगा? गन्ना खान साहब भी जनाब बेड़े लेके शरीफ ला चुके हैं, वो बेड़े जा रही हैं जले हुए जंतर के बीच में से। अच्छा, ये जो जंतर में बेड़े आई हैं, मैं जो बेड़े बोल रही हैं, लो ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तो सब क्यों बोल दिया? अच्छा, और ये तो थोड़ा पहला सवाल है ना, जवाब किसी हद तक भी ठीक है, लेकिन असल में इंज होया कि जंतर च बड़िया ने ना, तो भेडा नूं बच्चे नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने बुला रही ने किधर गए हो तो आ जाओ। ये वजह बनी। ये देखे जनाब, उधर तो दांत दिन के कोई नहीं, तो ये हमें सर्विस दे रहे हैं चाकू से। एको बारी सारा ला के यहाँ हर घर, फिर मशीन ठीक हो के आ गई। हाँ सर ठीक है जी, कितने भेड़ है? 110 है। हाँ तुम्हारे बाल बड़े प्यारे हैं, बैठ के भी नहीं इस तरह के होते। हाँ साहब जी, हाँ वो गुट में चुका हूँ। किधर गुट है? वो दरवाजे में नहीं, वो परला, वो गेट नहीं, बस जिधर फसल नहीं लगी हुई, फसल कोई नहीं लगी, तो वहाँ पे आप ले जाएं। अच्छा जी, कोई मसला ठीक है। खान साहब, अगर इनका दूध चाहिए हो थोड़ा बहुत मिल जाएगा? अच्छा, किस मौसम नहीं मिलता? किस मौसम में मिलेगा? बस जिस टाइम तू कहेगा उस टाइम मिलेगा। कितना कितना चाहिए? कितना चाहिए? 2-4-5-7 किलो वो वक्त हर दिहाड़ी मिलेगा, हर रोज किलो किलो। हाँ किलो रोज। हाँ इंशाल्लाह। चलो मैं फिर आपको बताऊंगा। हाँ फिर आप मुझे बता के ना। हाँ मैं सही इधर तोड़ लाया। अच्छा हाँ, कब? जिस टाइम तू कहेगा, कल अगर बोलना तो कल आएगा। चलें ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ साहब से भेड़ का दूध लेके चेक करेंगे, कहते हैं 1 किलो मैं दे दिया करूँगा, दूध कम होता है इनका। असल में बाहर घूमती रहती है ना, ये सारी एनर्जी तो इनकी घूमने पे लग जाती है, दूध बेचारियों ने क्या बनाना होता है। भाई ये बच्चे ही पालती हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कर पाती। इधर जनाब फैजान और इरफान दोनों गोभी के पास पहुंच चुके हैं। गोभी काफ़ी बड़ी हो रही है, ये फिर लगता है उतारनी पड़ेगी।
बंद करो बंद करो इंटरव्यू लेना एक किधर चलना है ये बेचारा तो रहता सड़ गया सड़ गया की करना ता वड़न ओले इना ना दादरी किधर फेर बैठ बमे हाथ पे ही कदे वड़ी आई पहला नहीं पहली बार वड़न है हैं पहली बारी पहली बारी वड़न है अच्छा चलते हैं ना वड़ी अला बिला है जनाब काम खत्म हो गया गणेश ने दोबारा चोरी कर लिए गए अब जाने की तैयारी रात को बारिश हुई है जगह ना हम नरम हो गई है चलो आज ला जो समान फिर करी पिटाई शुरू क्या सर ये जनाब अपना घास काटने आया है इन्हें अज ना 50 रुपये देने ठीक है एक आस सही वड्या ठीक है तो जे ना सही वड्या फिर उधरों बैल वाल वेख के गल काटना जे ना सही वड्या फिर अं बाजी मार के वहां है ना इंज करके धुन भरने का मार लेने मुड़े ने जिकने की स्पीड है ना इन्हें तो सारा अज वड खड़ना चलो जी हूं 50 रुपये बिले हो गए माने दे ठीक है जी ए माना फिर आ गया एक दिहाड़ा आना है माने ने जी कावल ने देखे मशीन भी नहीं बढ़ती तेज हो रहा है लेट के बढ़ी जा माने ने क्योंकि बाजी मार ली है इस वजह माने ने नाम है मने आला 50 रुपये ए ना दूजे ने भी टिकिया चार दही हाँ ना वे फिर सारी आपू खा जाए मुड़े लड़ पैने माना स्कूल जाता कि नहीं जाता अच्छा चल जो ये गलतियां जो टुर गया ना स्कूल तो फिर मैं दस्यो इन किताबा शताबा फिर लै दें माने फिर स्कूल जाए हूं है फिर 100 रुपया दूंगा जो स्कूल गया ठीक है ना
ਚੱਲ ਠੀਕ ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਣੀ ਜੀ ਸੁਬਹ ਗੋਭੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 11,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਵਾਹ ਗੇਟ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਸੀ ਅਬ ਫਾਰਮ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਜਨਾਬ ਦੂਧ ਕੀ ਹੋਰ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਬੋਤਲੋਂ ਕਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਯੇ ਹਸਬੇ ਆਦਤ ਆਦਤ ਸੇ ਮਜਬੂਰ ਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਤਨਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਡੀ ਬੋਏ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗਾਏ ਭੈਂਸੋ ਨੇ ਔਰ ਚਰਵਾਹੋ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜਟਮ ਕਰ ਦਿਆ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੈਸੇ ਸਾਫ ਕਰੇ ਬੱਬੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਪੜੇਗਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਅਭੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਾਮਰਾਨ आप बाबा जी के साथ किसी दौर में सफाई करते रहे? हाँ जी, साल दो पहले है ना। हाँ जी। बाबा जी उस वक्त सफाई का काम करते थे ना जी। अच्छा अच्छा बाबा जी तुम याद है शुरू थे हम लोग जी कमी साहब को सिखाने से थे समझ नहीं करता थे उस वक्त तो सुबह 4 बजे शुरू थे हो गया बाड़ी हाड़ी भी हो गया अलग था अच्छा वो तो नहीं समझता नहीं नहीं सुबह 4:30 बजे शुरू होते हैं तो 10-11 तक क्लोज कर दिया करते हैं अपने जहन का टूटा से तो हां अभी खुद भूल गए सारा कुछ सारो साल होया फिर तक अभी खुद भूल गए सारा कुछ मैं पुराना हो गया ना सर जी यही तो हो चलो गेम होंगे ना हो चलो हो गया ऐसे होंगे ऐसे किथे पहुंचे होंगे क्यों परेशान हो जाए ना अल्लाह पाक बेहतरी करेगा रब सरदार के कोल आ गए क्यों जी सब बेड़ा पार करेगा ठीक कह रहे हैं आप पुराने हो गए खो चलो पुराने हो गए रास्ता कहीं मिलता काम कर लें जल्दी जल्दी शाम होने वाली है हाँ बस डोगी का कर दें भाई हो यहाँ से क्लोज हो वो डोगी को पानी क्यों नहीं रखा हुआ डाबड़ी धोए अभी खाना दिया पानी जल्दी जल्दी पानी रखे वो जो ब्राउन डोगी है ना मोटे वाला उसका मुंह बड़ा गंदा है मट्टी लगी हुई है वो जो पानी की होगी यूं यूं करके मट्टी के साथ पानी नहीं था ना मैंने धो देना था अब आप उसका मुंह धो दीजिएगा ठीक है अभी मैं समझ तो अभी धो दें मुंह गंदा है मुझे ना गंदे जानवर अच्छे नहीं लगते ठीक है जल्दी से जरा काम कर लें थैंक यू हाँ जी नदीम सर ठीक है बकरियां ने पैर बना रहे हैं अच्छा यानी खोर ओ मैं तो कह लंबा ना ही पाओ खिला के बना लेंगे खाली हाँ ये दूध डाली ठीक कुछ बकरियां हमने छोड़ दी थी दूध लेने के लिए हाँ ये भी उनमें ये बकरी जिसने इससे टक्कर खा के बच्चे गिराए थे इसके लिए वो परे खुरली के अंदर ना रेशम डाल के तो ऊपर वो लोहे की जाली रख दी गई है उधर जा खा ले लेकिन ये देखिए ये दूसरी सारी है वहाँ पे चली गई ये उधर जाती है तो वो मारती है इधर आती है तो ये मार तो ये बेचारी परेशान ही दिन गुजर जाता है इस तरह जो बकरी एक बार डर जाए ना जिसकी आंखों में खौफ आ जाए फिर जो है ना उसकी उसको फिर नहीं ये खाने देती
मार मार के ना उसका कीमा निकाल देती। रात हो गई है, क्लोजिंग भी जो है ना वो अभी देखना, वो लड़ाकू गई है तो ये डर के लड़ा गई, इधर को लड़ाकू आएगी वो डर के उधर चली जाएगी, दिन इसी तरह गुजर जाने। एक बेचैनी की कैफियत इनमें चलती रहती है बकरियों। सबसे बेहतर हाल ये है कि सींग ख़त्म करें, और हमेशा जो शरीफ नफ बकरियां ना निस्बतन कम लड़ने वाली उनको ब्रीडिंग में आगे लेके आए, और ये जो सुरख बकरी है ये नहीं लड़ती, इसलिए ये भी खज्जल ही होती रहती। ये जो काली है ये साथ खड़ी है, ये फाइट मास्टर छुट्टी। इनका एक हाल है मसले का, वो ये है कि हमने जो बाड़े बनाए हैं ना ये तंग है, मतलब ये इधर से इधर तक, गोरा जो बाड़े बनाता है वो खुले बनाता है, मतलब उधर से लेकर आप क्या नहीं उधर तक एक लंबा सा बाड़ा होता है, तो फिर जानवरों के लिए ना मूवमेंट की ज़्यादा जगह होती है, एक इधर से मार पड़ी उधर चली गई उधर से खा लिया, फिर जानवर सरवाइव कर जाते हैं। इस तरह के जो चकोर टाइप वाड़े होते हैं ना मुरब्बा शक्ल के, इनमें मार कुटाई चलती रहती है, मसले ही रहते हैं। बकरा पाल्टी भी जनाब इंजॉय कर रही है, पेचिस वाला भी अब ठीक हो चुका है, ये पानी पी रहा है वही शायद। और ये जो दो पट्ठे हैं इनको अलहदा से रखा गया है, बाकी सारी बाहर है, इसका मतलब है कि इन्होंने भी आज फिर पेट भर के खाया होगा। एक काली पट्ठ जो है ना इधर भी है शायद ये वाली है, इसको भी मैंने इन्हें कहा था कि इन दोनों के साथ कर लें, इसको भी इधर करवा लेते हैं ताकि ये भी जो है ना इनके साथ ही फिर सरवाइव कर जाए, वरना एक ये भी डिस्टर्ब हुई थी और इसकी आंखों में भी एक खौफ आ गया ना, तो ये भी बेचारी तशद्दुद की ज़्यादा में ही थी। बच्चे भी अब जो है ना दोनों रिकवर हैं, इन दोनों को डायरिया हो गया था, एक को ठीक हुआ फिर दूसरे को हो गया, फिर ठीक हुआ फिर एक को हो गया, पानी पीने है, लेकिन ये है कि आप ना ये दोनों ठीक हो गए। उसमें जब इन्होंने ये घास का परसेंटेज डिस्टर्ब की ना उसकी वजह से ये सारे मसाइल एकदम आ गए थे, लेकिन ये सारा दिन इनका यही काम है खाते पीते रहना। इधर पट्ठ पार्टी में जनाब इंजॉय कर रही है, अभी शाम होने को ना तो इन्होंने ये फ्रेश स्टॉक डाला है इन्हें लूसन का, तो फ्रेश पे जो बड़ा हमला करते हैं ये, एक आध घंटा हमला जारी रहता है उसके बाद फिर जो है ना जोर टूट जाता है। पता नहीं इनकी डिवर्मिंग अभी की है इन्होंने कि नहीं की, पता कर लेते हैं। ये देखिए किधर चढ़ी है, इनको तो बस ऊंची जगह मिलनी चाहिए, ये छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाते शेब। तो छोटे बच्चों की डिवर्मिंग कर दी है कि नहीं की, कब की? अच्छा महीने से ऊपर की हो गई, डेढ़ माह की हो गई। अच्छा चले ये देख कैसे सामने खड़े होके ऊपर जाके साइड पे निकल के फिर खाने, कैसा तरीका, गाज में से फंगस वाला छांटी करके ना लगता है बाहर फेंका जा रहा है। ये लेट ड्राई हुआ है ना गाज में फंगस भी काफ़ी है, लेकिन गेट का रंग काला हो गया ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी रेनोवेट करवा दें सारे को, आस्ता आस्ता दीवारों को भी ऊपर लोहे की वाड़ लगा दें ताकि बला जो है वो आ ही ना सके।
घंटे बाद गायब हो जाती अपनी इस्तेमाल करो तो महीना भी नहीं मुकनी हाँ बिलाल शांति हो गई है कितना फंगस वाला निकला है ये यार फंगस वाला निकला बीच में थोड़ा सा फंगस वाला इस तरह का होता है ये देखें सफ़ेद टाइप पाउडर सा बन के उड़ेगा इसमें देखें ये पाउडर उड़ा ना ये देखें आपको महसूस होगा कि इसके ऊपर पाउडर जमा हुआ है हल्के हल्के चटाक चटाक नहीं तो चिट्टे 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 से सफ़ेद से दाग वो नज़र आएंगे ये देखने ये पत्ते के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जब स्मेल आएगी ना तो ये सारा फंगस होता है ये जहर है जानवरों के लिए बात सुनने बिलाल क्या मिला मिल गई आपको आखिरी तो आप वो मीना तो नहीं आए हुए 19 की दी है ना 19,000 आई है 21 दिन की थी 19,000 अच्छा चले याद हो गई है ना कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तीन माह बाद जाएगी ना इंशाल्लाह आपने एक माह का बोला आपने बोला था कि एक माह बाद में आप चलो एक ट्रायल कामयाब हो जाएगा तो फिर चलिए वो देख ले और जो बॉटल्स आई हैं वो सारी स्टॉक में ऐड कर दी चलिए मेरे हाथ ये मैं अभी आपको बता दूँगा एक मिनट सर जो राउंड कैप कैप आई हैं ना बॉटल्स के वो चार बैग आए हैं ब्लैक वाले के और मिल्क वाले का एक बैग आया और मिल्क वाइट बॉटल्स आई हैं 43 पैट जिनमें 24-24 पीस हैं पर पैट के और ऑयल बॉटल्स आई हैं जो ऑयल के लिए आई हैं वो 64 हैं अच्छा वाइट सर चल सर ठीक है 64 हैं अच्छा उनके अंदर भी 24-24 पीस पर पेट के अंदर चलिए मतलब आपका एक माह तो आसानी से गुजर जाएगा इंशाल्लाह चलिए ठीक और आप ठीक हैं ठीक ठाक सर इस वीकेंड पे ना क्योंकि वीक स्टार्ट पे आपकी मीटिंग करते हैं कि परफॉर्मेंस चेक करते हैं आप ठीक है ना और फिर उसके मुताबिक आपकी डिक्रीमेंट कर देंगे लैपटॉप मिल गया सर अच्छा ठीक है हम तो इंक्रीमेंट के हाथ में बैठे हुए सर लेकिन हम इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे क्योंकि हम इसे अपना काम समझ के अच्छा कर रहे हैं और वैसे भी हमें इस काम में मज़ा आ रहा है पर्सनली हमें इस काम में इधर दिल लगा हुआ हमारा बहुत मज़ा आ रहा है और हम भी तो इंशाल्लाह नई नई चीज़ डेवलप करेंगे सर इंशाल्लाह सर डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होगी आपने मियाँ साहब का कहीं शेर तो नहीं सुन लिया कि रो रो कहती माँ मोहम्मद उत्थे ही दिल ला दिल कुड़ियाँ ला दिया मुड़े हो के दिल ला लें नहीं सर जी एक काम होता है जो वैसे मजबूरी में करना पड़ता है एक काम होता है जिसमें मज़ा भी आता है शौक भी होता है हाँ। इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं चले बेस्ट ऑफ लक हम तो मैं तो दुआ दूँ आपके लिए आपका दिल लग जाए और आप काम करें दिल लगा के और प्रमोट हो यहाँ ठीक है शुक्रिया अल्लाह ये दो नए आए हैं जी एक अकाउंट्स में और एक स्टाफ में स्टाफ में तो काफ़ी एनर्जेटिक ब्लड है उम्मीद है कि क्लिक कर देंगे पर एक जनाब ओल्ड ब्लड वो घूम रहा है ऐसे लग रहा है जैसे पटकी हुई आत्मा आ रही होती है तारीख कब्रिस्तान में से निकल के आत्मा करीब आती जा रही है और करीब आ गई और करीब आत्मा आपको ऐसे ये फ़ायदा हो गया वीडियो बनाने के मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाता या आपकी इससे बचत हो रही आपको पता है वीडियो के सामने कोई बात कर नहीं पाएगा बस इसीलिए मैं आपको दे के कैमरा निकाल लेता हूँ कि आप बस मोटी मोटी बात होगी फिर आप चले जाएंगे तो दिया मुँह हाँ जी पानी उसको पहले खाना क्यों दिया मुझे बाद में क्यों दिया खाते नहीं पूछे हमारे तो यार उसको दे दिया कह रहे हो बारीक जेन का कुत्ता है बस क्या उसके नखरे बहुत ही वैसे कम से कम तांग तो नहीं करता ये दूसरा जो पार्टी वाला ये हर वक्त भोंकता रहता है भोंकता है तो खाता है गंद वगैरह बंदा क्या वो करे हाथ लगाने को दिल नहीं करता उसको अब देख आ रहा है वो मामा हाल लेके आ रहा है
हड्डियां दूध हर चीज खाता खुला ये शोर बहुत करता है पीछा कर रहे कहते हैं बात सुने इसके बाद भी आधे घंटे की होती देखे पीछा कर रहा था वो पार्टी वाला कुत्ता बताऊँ कि फालतू भी चला गया ये नए औकात कार बन गए सुबह 8 से नमाज मगरब तक जुमा को 12 से 3 वक्फा और ये अब बाहर लगा देंगे गेट पे जी फिर बिलाहर शाम का टाइम हो गया और वही बात शाम हो गया आप भी करें आराम और हम भी करते हैं आराम सुबह होगी इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़